हाय फ्रेंड्स, आपके लिए एक और न्यूज़ है। वो न्यूज़ ये है कि ऑनलाइन कंपटीशन हमारे जो स्टार्ट हो चुके हैं, तो जिन लोगों ने हमारे फ्रेंड्स ने हम अपना डॉग हमारे साथ रजिस्टर करवाया है, वो जल्दी से कंपटीशन में पार्टिसिपेट कीजिए। और जिन फ्रेंड्स ने नहीं करवाया है, जल्दी से अपना डॉग हमारे साथ रजिस्टर करवाइए, माइक्रोचिप बनवाइए, उसके कार्ड बनाइए, उसका आप डिजिटली हेल्थ कार्ड भी बना सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं टू बी ए पार्ट आवर फैमिली माई फ्रेंड। तो अगर आप हमारी फ्रेंचाइज लेना चाहते हो तो नीचे दिए हुए नंबर पर कस्टमर केयर पर बात कीजिए और हमारी ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर आप वॉइस मैसेज में अपनी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो हमसे। वैसे हमारा IVR नंबर 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ओपन रहता है, तो आप जब मर्जी कॉल कर सकते हो। हाय फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि जैसे मेरे हाथ में अमेरिकन बुल्ली है, अच्छा है भी बच्चा, पिटबुल भी लगभग इसी तरह, पिटबुल कह लो, कुछ मेरे फ्रेंड्स को पिटबुल भी कह देते हैं क्योंकि ये लुक लाइट वैसे होते हैं, लेकिन पिटबुल एक अलग चीज़ होती है, बुल्ली अलग चीज़ होती है। और एक बहुत ही कह लो कि क्वेश्चन बार बार आता रहता है कि हमें इनके कान कटवाने चाहिए या नहीं कटवाने चाहिए। बिल्कुल भी नहीं कटवाने चाहिए, ना ही कोई ज़रूरी है। ना ही लोग ये सोचते हैं कि इनके अगर कान नहीं कटवाएंगे तो इनको कम सुनाई देगा या कोई प्रॉब्लम्स आएगी कानों में। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। बट ओनली क्या है कि जब ये बड़े होते हैं तो इनके जो लुक होता है, एक तो चेहरे का जो ब्रॉड हेड, बहुत सारे मेरे फ्रेंड पिटबुल बुली जिनके पास हैं, वो चाहते हैं डॉग का ब्रॉड हेड हो। तो इनके जब कान होते हैं तो उतना वो ब्रॉड हेड होने के बावजूद भी शो नहीं दिखता, नहीं शो नहीं हो पाता, इसलिए कान कटाया। एक लुक इनका बेटर, मैं आपको स्क्रीन पर दो फोटो चल रही होगी, उसमें एक तो है कान के साथ और एक है कट क्रॉपिंग। तो क्या लुक में, देखो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हर एक पर्सन का एक अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यार, कानों के साथ अच्छा लगता है अगर आप ना क्रॉपिंग करवाइए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं कानों के साथ, जैसे डावरमैन पिंचर है, उसके कान भी क्रॉप की जाती है, पूंछ भी काटी जाती है, आप जानते हो उसके। तो ये लुक वाइज है, उसका पर्पस अलग था। बट यहाँ क्या है, ये एक ब्यूटी, मैं ना तो एंटी हूँ कान मत काटिए, ना ही मैं कहता हूँ कि कान कटवाइए ज़रूरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या है, ये जब मैं अपने फ्रेंड सर्कल से बैठता मिलता हूँ, कोशिश करता हूँ कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ूँ, क्या माइंड में है, क्यों वो क्रॉप कर कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो अच्छा दिखता है यार मुझे, या फलाने का डॉग अच्छा है, मेरा भी ऐसा दिखना चाहिए। मैं अगर इसको एक एग्जांपल के तौर पर लूँ, जैसे कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं वो टैटू अपनी बॉडी के ऊपर टैटू बनाना बहुत पसंद करते हैं, यहाँ वहाँ हर एक पार्ट में। तो अगर आप कहो कि ये ठीक नहीं है, आप टैटू मत बनवाइए, क्योंकि बाद में अगर आपको मान लीजिए किसी गवर्नमेंट जॉब में, आर्मी में कहीं जाना है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन वो फिर भी बनाते हैं, उनकी एक अपनी चॉइस है। ऐसे ही ये चीज़ें भी हैं कि अपनी चीज़ें, मैं आपको एक डॉग दिखाता हूँ, कहा जी देना मुझे डॉग, ये लगभग दोनों एक ही एज के हैं और ये क्रॉपिंग है और ये नहीं है। बाकी ये मेरे फ्रेंड हैं जो चाहते हैं कि विद क्रॉपिंग उनका डॉग हो, और ये जो फ्रेंड हैं ये चाहते हैं ना क्रॉपिंग वाला हो। तो इस पर ना तो आपको कोई रोक सकता है, बताइए आपकी चॉइस है। जैसे एक और छोटी सी एग्जांपल मैं देता हूँ, मान लीजिए आप कोई बाइक ले रहे हो, कोई गाड़ी ले रहे हो, बाया लॉ जो या जो कंपनी उसमें देती है, लेकिन हम थोड़ा लॉ को तोड़ मरोड़ कर उसमें अलग तरह का साउंड्स लाइट्स लगाते हैं, जो कि बाय लॉ अनलीगल होती है, बैन होती हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी गाड़ी को बेटर दिखाने के लिए, अब आजकल ट्रेंड है अगर आपके पास रॉयल एनफील्ड बुलेट मोटरसाइकिल है तो उसमें बड़ा साइलेंसर लगाया जाता है, बाय लॉ अनलीगल है, बट हम फिर भी लगाते हैं। ये एक जो मैंने अपने फ्रेंड्स सर्कल में देखा, तो ये एक वैसा कुछ तरह का आपका चॉइस है, आपको मालूम है कि बाय लॉ ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आप करते हो उसको बेटर दिखाने के लिए। तो मैं दोनों चीज़ों के, मैं हमेशा सिक्के के दोनों पहलू देखता हूँ, उसमें मुझे जो अच्छा लगता है, जो मुझे लगता है कि हाँ ये पर्सन का ये पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको अगर ये बंदा इस कारण से ऐसा कर रहा है तो इसका वैसा। तो हर एक पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती, हर पर्सन का अलग अलग अपना एक नज़रिया है। बाकी मेन बात यह है कि अगर कोई इसके कान क्रॉप भी करवाता डॉक्टर, कोई भी मेरा फ्रेंड या सब्सक्राइबर, तो उनको मालूम भी है इसको केयर कैसे करना है, इसको ठीक कैसे करना है। तो प्रॉपर मेडिसिन चलते हैं, पेन किलर चलते हैं, दवाई चलती है, हो सकता है वो चाहते हैं कि हफ्ते में 5 दिन में इसके कान ठीक हो जाएं। ऐसा नहीं है कि कान कटवा कर, हाँ इसको दर्द ज़रूर होता है,
लेकिन फिर वो बाद में जो एक प्रॉपर मेथड होता है दवाई का जो डॉक्टर साहब गाइड करते हैं वो फॉलो भी करते हैं, तो ये टोटल विद रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह लो कि काम करते हैं। बट मैं ये नहीं कहूँगा फिर आई रिपीट अगेन कि ये सही है या ये गलत है, ये हर एक का एक अपना एक उसको अपना पेट को कैसे रखना है कैसे दिखना चाहिए उस पर ज़्यादातर डिपेंड है। सेम लाइक है योर कार एवन बाइक में जो हम अक्सर मॉडिफाई वगैरह करते रहते हैं, तो मैं तो इस चीज़ को सिर्फ उसी तरह से लेता हूँ, मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाता है फ्रेंड। तो होप ये थोड़ी सी जो मेरे फ्रेंड बार बार कह रहे थे कि आपकी वीडियो के ऊपर ये कमेंट आते हैं कि क्यों क्रॉप करते हैं, हमने करवाए हैं, हमें वो बात चुभती है, तो आप हमारी तरफ से थोड़ा सा उनको ये बताइए कि हमारा हमारा नज़रिया क्या है, क्यों ऐसा करवाते हैं। तो बस ये आपके साथ थॉट थोड़े शेयर किए, होप आपको अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, अगर नहीं भी अच्छे लगे तो उसके लिए सॉरी। ओके आप बाइट बॉक करते हो ना, ओके थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। ओके बाय कर दो, अभी बाय कह दो, बाय कह दो, उधर बाय कह दो, बाय कर दो, बाय फ्रेंड्स। परफेक्ट।